Thackeray, Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, members of the India-Japan Business Leaders Forum. In the words of our 21st century is Asia's century. This will be decided by how Japan and India work together. While addressing the Parliament of India, Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, the Japan-India relationship is blessed with the largest potential for development of any bilateral relationship anywhere in the world. In a recent article, he has... Honorable Prime Minister of Japan, Abe-san, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, I am glad to inform you that last afternoon we had a very meaningful meeting of the Indo-Japan Business Leaders Forum. The discussions chiefly revolving and improving business environment in India, two, need for upgrading infrastructure in India and Japan-India cooperation, and three, opportunities.5倍、先ほど申し上げた5倍に拡大しております。ただ、日印の相互の経済界は、この規模は両国の経済力相当を考えますと極めて小さい規模であって、今後5年大きく拡大するための補填者が極めて高いという共通の日印投資拡大パートナーシップで設定された目標、今後5年の投資拡大を向けて努力するそうであります。 このインドへの投資拡大に向けては、インド国内のビジネス環境整備が不可欠でございます。両首脳におかれましては、このRCEPの早期妥結に向けて、強力なるイニシアチブを発揮していただくよう期待申し上げたいと思います。私からは以上でございます。 We will have very brief remarks by CEOs. May I now request Chanda. Bharat ke aaj vishesh mehman aur mere param mitra Japan ke pradhanmantri Shriman Abe-san. भारत और जापान की भिन्न भिन्न कंपनियों के सीईओज, मुझे बताया गया कि काफ़ी विस्तार से आप लोगों के बीच बातें हुई हैं और एक नए उत्साह और उमंग के साथ दोनों देश के उद्योग जगत के आप मित्र, भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, भारत में कितने पोटेंशियल है, जापान और भारत के बीच में कितनी संभावनाएं, उसकी विस्तार से चर्चा की है. मैं पिछले वर्ष जापान जब गया था और जापान ने $35 बिलियन भारत में पूंजी निवेश की जब घोषणा की थी तो खबर अपने आप में लोगों को आश्चर्य देती थी कि कैसे हो सकता है. लेकिन आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि एक साल के भीतर भीतर अकल्पनीय उसमें प्रगति हुई है और एक प्रकार से धरती पर दिख रहा है कि $35 बिलियन यहां यहां होंगे. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. भारत में मेक इन इंडिया एक मिशन मोड पे काम करे वो तो हम समझ सकते हैं. हर भारतीय के मन में मेक इन इंडिया का विचार आए वो हम समझ सकते हैं. लेकिन आज भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि जापान में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है. और मुझे बताया गया कि कोई $11 बिलियन, $12 बिलियन फंड मेक इन इंडिया के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है. ये साफ बताता है कि हम दोनों देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं. आपने देखा होगा कि जितनी बातें, जैसे
पीएमओ में जापान प्लस की कल्पना, ये एक विचार ही नया था लेकिन इतना सफल हुआ है और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ग्लोबल लेवल पर हमने जो पोजीशन पाई है, तो पॉलिसी डिसीजन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट्स ऑन बोर्ड, ये जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है उसके परिणाम बहुत ही मिल रहे हैं। पूरी दुनिया से इन दिनों खबर आती है स्लो डाउन की, सब जगह से पहली खबर होती है यार मामला जम नहीं रहा है, कुछ स्लो डाउन है। लेकिन कल ही जापान का इकोनॉमिक एनालिसिस जो आया वो इतना एनकरेजिंग है, यानी सारे इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट 0.1% करते थे जबकि क्रॉस कर दिया 1%। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी प्रकार से कल ही भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जो फिगर आए हैं वो 10.6% और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 9.8% बढ़ा है। एक किस प्रकार से गति तेज हुई है उसका ये इंडिकेशन है। कुछ दिन पहले भारत का ग्रोथ के संबंध में इंडिकेटर्स आए थे, वो भी बहुत एनकरेजिंग थे। तो ये साफ दिखा रहे हैं कि भारत एक संभावनाओं का देश है, ह्यूमन रिसोर्स एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है, भारत की अपनी आवश्यकताएं बहुत हैं। इस दोनों को मिलाकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है। हम देखते हैं कि भारत में मारुति, भारत में मेट्रो ट्रेन, भारत में डीएफसी, सब जगह पे एक टर्निंग पॉइंट पे कहीं ना कहीं जापान नजर आता है। ये अपने आप में भारत में जो बदलाव आ रहा है उस पर जापान के साथ का जो नाता है वो उजागर हो रहा है। और पहली बार जापान भारत से कार इंपोर्ट करेगा और मारुति यहां मैन्युफैक्चर करेगी, यानी मेक इन इंडिया कार जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो जापानी कंपनी का है लेकिन इंडिया में बनेगा और जापान इंपोर्ट करेगा, ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बताता है कि किस प्रकार से संभावनाएं बढ़ी हैं। तो मैं आपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर जरूर गंभीरता से जो कदम उठाने होंगे आवश्यक कदम उठाऊंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन नहीं, भारत हाई स्पीड ग्रोथ की ओर भी जापान के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहता है। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और आज की उनकी यात्रा हमें नए आयाम पर ले जाने के लिए एक कारण बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मे आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर शिंजो आबे, Honorable Prime Minister of Japan, to kindly deliver his special address. 日本とインドの代表するビジネスマンの皆様が、日印の経済の現在と将来に向けてのビジョンについて共同報告書を取りまとめ提出をしていただいたことに対しまして歓迎したい、感謝申し上げたいと思います。モディ首相とはですね、今回の首脳会談、昨年のモディ首相の訪日、そして今年に入りましてニューヨークでもクアラルンプールでもあるいはパリにおいても会談を行ってきたところでございますが、もう10年20年前から知り合いのような関係になってきているわけであります。私の考えは強いインドは日本のためになり、強い日本はインドのためになる、これは基本的な考え方であります。普遍的価値を共有し、そして戦略的な利益も共有する、アジアの二大民主主義国が共に手を携えて発展をしていくことは地域の平和と繁栄、そして世界の平和繁栄につながっていく、こう確信をしています。この確信はモディ首相と全く共有するものであると思います。ただいまのモディ首相のお話からも、経済においても日本とともに力を合わせていくことがインドのために間違いなくなる、そして日本にも大きな利益をもたらす、
この確信が伝わってきたところでございます。インドは現在日本にとってもまさに魅力的な注目すべき投資先であります。昨日のフォーラムを通じて、また今日のモディ首相の話を伺って、日本のビジネス界の皆様も強くそう感じたのではないかと、このように思います。投資が成功することによって、さらに投資を呼んでいくわけでございます。そういう意味におきましても、両国の連携が極めて重要であろうと思います。モディ首相と私の共通点は、政策を実行していくスピードであります。スピードを大切にしている。モディさんのスピードはですね、新幹線並みのスピードでありますが、なぜ新幹線並みのスピードといったかといえば、これは確実に安全に人々や物事を運んでいくことができるということでございまして、今後ともお互いにスピード感を持って、日印関係を、そしてビジネスの関係を、経済関係を前に進めていきたいと、このように思う次第でございます。本日のこの会合、そして昨日の会合によってですね、両国のビジネス関係がますます緊密となり、両国の経済に大きな貢献をしていただくことを期待いたしまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。この後モディ首相と首脳会談を行いますが、今日の首脳会談によってですね、日印関係が全く新しい次元に入っていく、そういう日印のこの首脳会談にしていきたいと、このように思っております。ありがとうございました。 We request you kindly the CEOs to kindly join for the photograph.